हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं हूं नजरुल रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल नासरी इलेक्ट्रिक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक हेवेल्स कंपनी की पेडेस्टल फर्राटा फैन कूलर मोटर को दोस्तों 3 स्पीड में वाइंडिंग करना आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों हमारी हेवेल्स कंपनी की फर्राटा फैन मोटर की स्टेटर है। फ्रेंड्स, यहीं पे अगर पंखे की बात की जाए, ये हमारी फैन दोस्तों कुछ इस तरह की दिखती है। यहीं पे दोस्तों इसकी अगर बॉडी की बात की जाए, ये जो हमारी स्टेटर जिसमें फीट होती है, ये हमारी कुछ इस तरह की दिखती है। इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पे जो बिल्कुल जीरो लेवल से बताने की कोशिश करूँगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होने वाली है कॉइल वाइंडिंग से लेकर दोस्तों यहाँ पे कॉइल डालने तक और दोस्तों यहाँ पे इसकी कनेक्शन तक, यानी कि हर एक जानकारी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पंखे की मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि दोस्तों इस पंखे के अंदर, इस मोटर के अंदर जो मैं डाटा यूज करूँगा दोस्तों, आप अपने भी स्टेटर में इस डाटा को आसानी से यूज कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो डाटा आपको मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पे मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी तगड़ी यहाँ पे आपको स्पीड मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले इस मोटर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पंखे के अंदर जो हमारी स्लॉट है दोस्तों, वो हमारी टोटल 24 स्लॉट है। और इसके अंदर दोस्तों हमने 7 नंबर की PVC यहाँ पे जो है पेपर को इंस्टॉलेशन किया हुआ है। दोस्तों इसकी जो हमारी वाइंडिंग होती है, ये हमारी 4 पोल में होती है, यानी कि 4 कॉइल दोस्तों हमारी रनिंग कॉइल की होती है और 4 कॉइल दोस्तों हमारी स्टार्टिंग कॉइल की होती है, यानी कि टोटल कॉइल जो हमारी बनती है दोस्तों, वो हमारी 8 कॉइल होती है। और दोस्तों ये फैन हमारी 1400 RPM में होती है। यहीं पे दोस्तों अगर इस पंखे की वाटेज की बात की जाए, दोस्तों ये फैन हमारी 145 वाट की आती है। दोस्तों ये फैन हमारी सिंगल फेस 220 वोल्ट AC करंट पे रन करती है। और यहीं पे अगर कैपेसिटर की बात की जाए, तो इसमें हम कैपेसिटर यूज करते हैं दोस्तों 4 MFD की। सो फ्रेंड्स, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने यह आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटर की मोटाई थिकनेस यहाँ पे हम जान लेंगे, यानी कि आउटर डाई, इनर डाई और स्टेटर साइज। फ्रेंड्स, इस चीज को जान लेना बहुत जरूरी होता है। अगर दोस्तों आपकी स्टैम्पिंग और यहाँ पे आउटर डाई, इनर डाई यहाँ पे सेम होगी, तो इस डाटा को दोस्तों आप आसानी से अपने स्टेटर में यूज कर पाओगे, यानी कि कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम स्टेटर की सबसे पहले मोटाई की बात करते हैं। दोस्तों स्टेटर की अगर मोटाई की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी 2 सेंटीमीटर की आ रही है। यहीं पे दोस्तों अगर इनर डाई की बात की जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे हमारी रोटर लगती है, तो फ्रेंड्स ये हमारी 8 सेंटीमीटर की आ रही है। यहीं पे दोस्तों OD की बात की जाए, यानी कि आउटर डाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोस्तों हमारी कितनी आ रही है, दोस्तों ये हमारी 13 सेंटीमीटर की आ रही है। यहीं पे दोस्तों अगर स्टेटर की पूरी गोलाई की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी 41 सेंटीमीटर की आ रही है। हमारी स्टेटर की कुछ इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए आपको मैं डाटा बताता हूँ। दोस्तों डाटा जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को सिखाने के लिए, तो दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। साथ ही फ्रेंड्स, जो बंदे चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जगह आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपको मैं डाटा बताता हूँ, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉइल बना के बताऊंगा और यहाँ पे 3 स्पीड में कॉइल को किस तरह से बनाते हैं और यहाँ पे कॉइल को किस तरह से डाला जाता है, यहाँ पे कनेक्शन हमें किस तरह से करना है, हर चीज आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको जानकारी यहाँ पे जो काफी बेहतरीन यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस डायरी के अंदर दोस्तों हमने यहाँ पे जो डाटा को नोट किया हुआ है, ये जो डाटा है दोस्तों ये हमारी कॉपर वायर से है। तो यहाँ पे जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और दोस्तों यहाँ पे हमारी डाटा है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले रनिंग कॉइल की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रनिंग कॉइल को स्लॉट के अंदर सबसे पहले हमें जो डालना होता है। फ्रेंड्स, रनिंग कॉइल को रिवाइंड करने के लिए SWG आपको जो यूज करनी है दोस्तों, वो हमारी 30 नंबर की कॉपर वायर होगी। और यहीं पे दोस्तों अगर कॉइल टर्न की बात की जाए, तो यहाँ पे टोटल हमारी 4 कॉइल बनने वाली है। दोस्तों हमारी जो पहला कॉइल बनेगी वो हमारी 110 टर्न होगी, दूसरी में दोस्तों हमें फिर से 110 टर्न करनी है, तीसरी में फिर से हमें यहाँ पे 110 करनी है। और दोस्तों यहाँ पे चौथी जो हमारी कॉइल होगी, तो दोस्तों यहाँ पे चौथी कॉइल में 65+ यहाँ पे 50 टर्न करनी है। तो आगे आप मैं यहाँ पे कॉइल बनाऊंगा, तो आपको मैं वहाँ पे समझा दूंगा। यहीं पे दोस्तों अगर कॉइल डिस्टेंस की बात की जाए, रनिंग कॉइल में कॉइल डिस्टेंस रखनी है 35 इंच। यहीं पे दोस्तों अगर कॉइल पीच की बात की जाए, कॉइल पीच हमारी 1 से 4 में दोस्तों 2 राउंड करनी है, 1 से 6 में फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 3 राउंड करनी है। और दोस्तों यहाँ पे वायर वेट की बात की जाए, तो दोस्तों हमने अभी जो कॉइल नहीं बनाया, बट यहाँ पे आप मुझे डिस्प्ले पे वायर वेट शो रहे दोस्तों, यही हमारी इसकी वायर वेट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग कॉइल को रिवाइंड करने के लिए SWG आपको यूज करनी है दोस्तों 32 नंबर की कॉपर वायर। और दोस्तों यहीं पे अगर कॉइल टर्न की बात की जाए, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 4 कॉइल बनने वाली है। और चारों कॉइल की जो हमारी कॉइल टर्न होगी दोस्तों, कुछ इस तरह से 120 120 120 120, यानी कि 120 टर्न की यहाँ पर मुझे 4 कॉइल बनानी है। यहीं पे दोस्तों अगर कॉइल डिस्टेंस की बात की जाए, दोस्तों कॉइल डिस्टेंस आपको स्टार्टिंग कॉइल में रखनी है 27.5 इंच। कॉइल पिच आपकी यहाँ पे जो सेम होने वाली है, बस यहाँ पे दोस्तों आपको राउंड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 से 4 में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो 1 राउंड करनी है और 1 से 6 में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है
तीन राउंड करनी है। वायर को अभी तक हमने नहीं तोला क्योंकि हमने अभी जो क्वाइल नहीं बनाया, बट यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले पे वायर वेट शो रही है यही हमारी स्टार्टिंग क्वाइल की वायर वेट है। रनिंग प्लस स्टार्टिंग दोनों क्वाइल मिला के दोस्तों हमारे यहाँ पे जो वायर लगने वाले दोस्तों वो हमारे 465 ग्राम है। तो दोस्तों इस मोटर की जो डाटा है दोस्तों हमारी कुछ इस तरह से है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्वाइल बनाते हैं और क्वाइल बना के दोस्तों स्टेटों को मैं रिवाइंड करके आप में बताता हूँ। फ्रेंड्स क्वाइल बनाने के लिए मैं एक हैंड ग्राइंडर मशीन का मैं यूज कर रहा हूँ और फर्मे को हमने जो है यहाँ पे 35 इंच पर सेट कर लिया है रनिंग की। और दोस्तों यहाँ पे मैं 30 नंबर की वायर ले लिया हूँ कॉपर में और चलिए आपको मैं क्वाइल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारी क्वाइल बनने वाले दोस्तों यहाँ पे तीन क्वाइल हमारी यहाँ पे जो है 110 टन की बनने वाली है। यहाँ पे क्वाइल के साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधा आपको जो है क्वाइल दोस्तों बना देनी है। तो चलिए यहाँ पे क्वाइल बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो यहाँ पे अभी दोस्तों हमारी एक क्वाइल बन के तैयार हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वाइल हमने यहाँ पे जो बना लिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा क्वाइल बनाऊंगा, यहाँ पर भी दोस्तों कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमारे यहाँ पे जो दूसरी क्वाइल भी बनके तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे जो तीसरी क्वाइल को भी बना लेंगे बिना किसी छेड़छाड़ किए क्वाइल में। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तीसरा क्वाइल भी बनाना शुरू कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारी तीसरी क्वाइल जो इंड होगी यानी कि जहाँ से हमारी कनेक्शन निकलती है वहाँ से आपको जो एक लीड निकालनी है। और दोस्तों वो हमारी लीड जो होगी दोस्तों वो हमारी सबसे हाई स्पीड की लूप होने वाली है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी तीसरा से चौथा में हमारी जो जाने वाली है लीड, यहाँ से आपको जो एक लूप को निकाल लेनी है कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स ये जो हमारी वायर है दोस्तों ये पहला लूप हमारी हाई स्पीड की लूप होने वाली है। इस पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक स्टिकर लेंगे और इस पर हाई लिख के दोस्तों यहाँ पे हम चिपका देंगे। इससे क्या होगी कि हमें याद रहेगी दोस्तों कि हमारी ये लूप जो है ये कौन सी लूप है, ये हमारी सबसे हाई स्पीड की लूप है। इस वायर पे हम इस स्टिकर को लगा देते हैं और इस वायर को दोस्तों हम यहाँ पे जो फर्मे के अंदर यहाँ पे जो लपड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारी क्वाइल बनने वाली है इसके अंदर चौथा क्वाइल में आपको जो है 65 टर्ने करनी है। तो चलिए यहाँ पे 65 टर्न इसके अंदर जो है डाल देता हूँ। कुछ इस तरह से दोस्तों हम फर्मे को घुमाएंगे और हमारे यहाँ पे जब 65 टर्न हो जाती है तो यहाँ पे आपको क्या करनी है एक लूप फिर से आपको जो निकाल लेनी है। और दोस्तों ये जो हमारी लूप होगी ये हमारी मीडियम स्पीड के लिए होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे लूप निकाल के और स्टिकर पे दोस्तों मिड लिख के और यहाँ पे जो इस पर लगा देते हैं इस लूप पे, ताकि हमें यहाँ पे जो ध्यान रहेगा कौन लूप हमारी किस काम के लिए है। और इस फर्मे पे दोस्तों हम यहाँ पे जो इस वायर को लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 50 टन जो है फिर से इसी क्वाइल में आपको जो है दे देनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से जो है 50 टन इसके अंदर जो है दे देता हूँ। और ये जो हमारी लूप होगी दोस्तों ये दोस्तों हमारी लो स्पीड की लूप होगी। आपको क्या करनी है एक स्टिकर पे आपको जो लो लिख के और इस पे जो है आपको लगा देनी है, ताकि हमें यहाँ पे जो कभी भी कंफ्यूजन ना हो कनेक्शन करते वक्त और क्वाइल डालते वक्त। तो इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे जो 3 स्पीड की क्वाइल बनती है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है एक धागे की मदद से या दोस्तों किसी भी चीज़ की मदद से यहाँ पे जो है क्वाइल को बांध दीजिए ताकि हमारी क्वाइल बिखरे ना। तो यहाँ पे जो है क्वाइल को देखिए हमने जो है बांध दिया है, एक एक करके सभी क्वाइल को आपको जो है बांध लेनी है और फर्मे पर से क्वाइल को उतार लेनी है। तो इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे जो रनिंग क्वाइल तो बन गई। अब स्टार्टिंग की बात आती है तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्वाइल को आपको जो है 27.5 इंच पे फर्मे को सेट करनी है। और यहाँ पे आपको जो है 32 नंबर की कॉपर वायर लेनी है और इसके अंदर आपको जो है चारों क्वाइल में टर्न जो भरनी है दोस्तों वो आपकी होने वाली है 120 टर्न। तो चलिए यहाँ पे मैं क्वाइल बनाना शुरू करता हूँ। सो इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे जो पहला क्वाइल बन गई है 120 टन हमने यहाँ पे जो डाल दिया है। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे जो दूसरा क्वाइल भी बना लेनी है 120 टन दे देनी है। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो है चार क्वाइल बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह दोस्तों आपको जो क्वाइल बना लेनी है। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको क्वाइल प्रोसेस दिखाया था यानी कि हमें क्वाइल को किस तरह से बनाना है। अभी दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन की बारी आती है यानी कि हमें क्वाइल को जो स्लॉट में भरना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम क्वाइल को डालेंगे दोस्तों जो हमारी 3 स्पीड की क्वाइल होगी उसे हमें जो सबसे नीचे कर लेनी है, यानी कि उसे हमें यहाँ पे जो सबसे लास्ट में डालनी है। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है क्वाइल को जो पलट लेनी है। अब दोस्तों जो हमारी फर्स्ट क्वाइल होगी आप उसको जो उठा लीजिए, यानी कि जहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू हुई थी वो वाली क्वाइल को आपको जो उठा लेनी है। एक चीज़ की आपको ध्यान रखनी है यानी कि आप देख सकते हो ये है हमारी इनर वायर यानी कि जहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू हुई थी, और दोस्तों ये है हमारी आउटर वायर यानी कि ये हमारी जो दूसरी क्वाइल से सीरीज है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस वायर को रखना किस साइड चाहते हो, यानी कि आप लेफ्ट में रखना चाहते हो या राइट में रखना चाहते हो, ये चीज आप पे डिपेंड करता है। आपको जो उसी हिसाब से पूरी स्टेटर को जो है वाइंडिंग करते जानी है। इस क्वाइल को दोस्तों हम स्लॉट के अंदर डाल लेते हैं कुछ इस तरह से। सो देख सकते हो हमने यहाँ पे जो डाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप लूप देख रहे हो ये हमारी इनर लूप है, यानी कि इस लूप को हमने रखा है राइट हैंड साइड की तरफ यानी कि इस साइड, और जो हमारी आउटर लूप है दोस्तों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे जो लूप को कुछ इस तरह से रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करनी है एक साइड से आपको जो किसी भी स्लॉट में क्वाइल को जो इंस्टॉलेशन कर लेनी है। क्वाइल को जो इंस्टॉलेशन कर लिया है अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करनी है दो स्लॉट छोड़ लेनी यानी कि एक दो, और तीसरी स्लॉट में जाके हमें यहाँ पे जो क्वाइल को इंस्टॉल कर देनी है पूरी तरह से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो है दो स्लॉट छोड़ दिए हैं और तीसरी में दोस्तों हमने यहाँ पे जो क्वाइल को इंस्टॉल कर लिया है। अब दोस्तों जो हमारे यहाँ पे क्वाइल पिच हुई ये हमारी 1 से 4 हुई है और दोस्तों यहाँ पे हमारी 1 राउंड हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करनी है क्वाइल को जो बैक साइड की तरफ खींच लेनी है।
और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करनी है, इसी स्लॉट में मुझे दोबारा एक राउंड हमें कर लेनी है, यानी कि 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 3 राउंड करनी है। तो फ्रेंड्स चलिए हम बैक साइड की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉइल को दोस्तों हम पकड़ लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं, इस तरह से हमने यहाँ पे कॉइल को पकड़ा है और कुछ इस तरह से दोस्तों हम फोल्ड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से फोल्ड करके और जिसमें अभी आपने कॉइल को डाला है दोस्तों उसी स्लॉट में आपको इस कॉइल को फिर से इंस्टॉल कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अगली वाली स्लॉट में फिर से इस कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। तो 1 से 4 में फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारी 2 राउंड हो जाती है। तो अभी आपको क्या करनी है, एक ग्रीन पेपर लेनी है यानी कि कागज़ वाली कोई पेपर लेनी है, कुछ स्लॉट के ऊपर इस तरह से लगा लेनी है। अब दोस्तों जो हमारी क्वाइल डलेगी दोस्तों ये हमारी इस वाली स्लॉट में डलेगी और इस वाली स्लॉट में डलेगी, यानी कि यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 1 से 6 में चल जाती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करनी है, 3 राउंड करनी है। दोस्तों यहाँ पर हम बैक साइड की तरफ आ गए हैं और क्वाइल को जो है कुछ इस तरह से हम फोल्ड कर लिए हैं, और फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको जो है बैक वाली स्लॉट में दोस्तों यहाँ पर हम जो डाल देंगे और इससे अगले वाली स्लॉट में डाल देंगे। तो अभी दोस्तों हमारी 1 से 6 में 1 राउंड कंप्लीट हुई है। तो अभी आपको फिर से दोस्तों यहाँ पर जो है बैक साइड की तरफ आनी है और दोस्तों यहाँ पर मुझे कॉइल को जो है फिर से फोल्ड कर लेनी है, और फोल्ड करने के बाद दोस्तों जिसमें अभी आपने कॉइल को डाला है उसी में फ्रेंड्स इस कॉइल को हम जो है दोबारा डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो है डाल लिया है, और दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपकी वायर निकल रही है दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो है सेपरेटर पेपर लगा लेनी है ताकि आपके यहाँ जो है वायर डालने में दिक्कत भी ना हो और स्लॉट से जो है हमारी वायर भी ना निकले। फ्रेंड्स यहाँ पर जो फिर से दोस्तों जिसमें हमने भी कॉइल डाला था उसी में दोस्तों यहाँ पे जो दोबारा इंस्टॉल कर देंगे। इसी कॉइल पर हम दोबारा इस कॉइल को जो चढ़ा देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करनी है, कॉइल को जो कुछ इस तरह से पकड़नी है और इस तरह से आपको जो फोल्ड कर लेनी है। देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर हम जो फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको जो है उसी स्लॉट में जो है दोबारा डाल देनी है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आसानी से दोस्तों हमारी यहाँ पे क्वाइल जो है स्लॉट के अंदर दोस्तों यहाँ पे चल गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक व्हाइट पेपर लेनी है 7 नंबर की, और इस स्लॉट को आपको जो पूरी तरह से कवर कर लेने है। देख सकते हो एक क्वाइल दोस्तों हमारी यहाँ पे जो पूरी तरह से डल के कम्प्लीट हो चुकी है स्लॉट में। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करनी है, क्वाइल को जो आपको बराबर कर लेनी है, और बराबर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्वाइल को जो शेप दे देनी है। चेटर को कुछ इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पर हम जो है दूसरी क्वाइल को उठा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी कॉइल को हमने यहाँ पर जो उठा लिया है। अब दोस्तों दूसरी कॉइल को उठाने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो हमारी लूप है दोस्तों ये हमारी आउटर में अभी निकली हुई है, यानी कि आप देख सकते हो ये हमारी इनर है यानी कि राइट हैंड साइड तरफ, ये हमारी आउटर है दोस्तों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो दोस्तों इस कॉइल की लूप को दोस्तों आपको जो आउटर में पहुँचानी है, यानी कि आउटर से आउटर, यानी कि आपको 1 से 3 में सभी कॉइल की सीरीज को पहुँचानी है। इस कॉइल को हम पलट लेते हैं, और दोस्तों कॉइल हमारी कुछ इस तरह से है, क्वाइल को हम जो है इस तरह से पलटेंगे तो हमारी यहाँ पे जो दोस्तों कनेक्शन जो है ठीक उसी में चल जाएगी, यानी कि आउटर से आउटर चल जाएगी। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको जो है एक स्लॉट बैक साइड की तरफ छोड़ लेनी है, छोड़ लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 स्लॉट छोड़ के यानी कि 1, 2 और 3 स्लॉट में जाकर दोस्तों हम इस क्वाइल को इंस्टॉल कर देंगे। आप दोस्तों यहाँ से काउंट करते हो जहाँ से आपकी सीरीज ये हमारी आउट हो रही है क्वाइल की, तो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 से 3 में सीरीज चल जाएगी। देखिए आपको मैं काउंट करके दिखाता हूँ, 1, 2, 3, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी 3 नंबर में यहाँ पे जो सीरीज जा चुकी है, तो ये हमारी आउटर से आउटर में गई है। तो आपको क्या करनी है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको जो इसी स्लॉट में दोबारा जो है 1 राउंड कर लेनी है, यानी कि 1 से 4 में 2 राउंड हमें यहाँ पे जो कंप्लीट करनी है। बट आपको जो क्वाइल को जो फिर से कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों जिसमें अभी आपने क्वाइल को डाली है उसी में आपको जो इंस्टॉल कर लेनी है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी कुछ इस तरह से क्वाइल जो है 1 से 4 में पूरी तरह से डल चुकी है। अब दोस्तों आपको जो फिर से बैक साइड की तरफ आ जानी है, और दोस्तों इस क्वाइल को जो आपको डालनी है इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, क्या करते हैं 3 राउंड कंप्लीट कर देते हैं। देख सकते हो फाइनली हमारे यहाँ पे जो दूसरी क्वाइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो तीसरी क्वाइल की बात आती है, तो यहाँ पे जो स्टेटर को इस तरह से घुमा लेनी है, और आपको यहाँ पे जो तीसरी क्वाइल को उठानी है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरी क्वाइल को उठाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ध्यान रखनी है कि
कि ये हमारी जो लूप है दोस्तों यहाँ पे किस साइड निकली, यानी कि ये हमारी जो लूप है आउटर में निकली है या हमारी इनर में निकली है। तो ये फ्रेंड्स लूप हमारी इनर में निकली, सीरीज वाली वायर है दोस्तों इसे हमें यहाँ पे जो है इनर में ही पहुँचानी है, यानी कि ये हमारी इनर है तो हमें इनर में ही कॉइल को डालनी है और इनर से इनर हम डालेंगे दोस्तों हमारी एक से तीन में पहुँच जाएगी। क्या करनी है, एक स्लॉट छोड़ देनी है पीछे से और यहाँ पे कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे जो है दो स्लॉट छोड़ लेनी है और तीसरी में जाकर हमें यहाँ पे जो कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। अब आप काउंट करते हैं, यानी कि यहाँ से तो आपकी यहाँ पे जो एक से तीन में सीरीज चल जाएगी। देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, एक दो तीन, यानी कि एक से तीन में हमारी यहाँ पे जो कॉइल कनेक्शन चल गई है और यहाँ पे हमारी इनर से इनर में गई। आप देख सकते हो ये हमारी इस साइड है यानी कि राइट में है और ये भी लूप दोस्तों हमारी राइट में है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अगर इस चीज़ को आप गलती कर देते हो तो आपकी यहाँ पे जो स्पीड नहीं बनेगी और दूसरी दोस्तों यहाँ पे हीट होकर तुरंत पंखा आपकी यहाँ पे जो जल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक से चार में दो राउंड कंप्लीट करनी है। तो कॉइल दोस्तों हम यहाँ पे कुछ इस तरह से पलटेंगे और स्लॉट के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम जो है डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो एक से चार कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे एक से छः में, यानी कि यहाँ से यहाँ में डालनी है तीन राउंड। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरी कॉइल भी हमने यहाँ पे जो डाल के पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स अब हमारी यहाँ पे जो फाइनल यानी कि थ्री स्पीड वाली जो हमारी कॉइल है दोस्तों वो हमारी डलेगी। तो इस कॉइल को भी डालने से पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है हमारी जो लूप निकली है कॉइल कनेक्शन दोस्तों वो हमारी किस साइड निकली है। देख सकते हो ये दोस्तों हमारी निकली है, ये हमारी लेफ्ट में निकली है यानी कि आउटर में हमारी है दोस्तों। आउटर से आउटर में हम यहाँ पे जो कॉइल को पहुँचानी है, कॉइल को कुछ इस तरह से पलट लेंगे। एक स्लॉट को आपको यहाँ पे छोड़ लेनी है, दूसरी साइड से भी आपको जो एक स्लॉट यहाँ पे जो छोड़ लेनी है। तो यहाँ पे हमारी देख सकते हो बीच में हमारी कितनी स्लॉट छुटी, दो स्लॉट, यानी कि एक से चार में फ्रेंड्स हमारी ये कॉइल जो है पूरी तरह से डल के कंप्लीट हो चुकी है। कॉइल को जो कुछ इस तरह से कर लेनी है और स्लॉट के अंदर हमें यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारी कॉइल डलेगी इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, यानी कि एक से छः में हमें यहाँ पे जो तीन राउंड को कंप्लीट करनी है। तो चलिए दोस्तों जो हमारी बाकी बची कॉइल है दोस्तों इसको हम यहाँ पे डाल के कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमारी रनिंग कॉइल की टोटल चार से डल के स्लॉट में कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग कॉइल को डालनी है। तो स्टार्टिंग कॉइल को हमें जो डालनी है दोस्तों यहाँ पे मुझे बीच से शुरू नहीं करनी, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू किया था, यहाँ से हमारी वाइंडिंग खत्म हो रही है। तो इससे इसके दोस्तों बीच से हमें शुरू नहीं करनी है, आपको एक घर आगे कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में हम स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे, यानी पेचकस की मदद से यहाँ पे जो इस वायर को जो है चाप दीजिए ताकि आपको जो स्टार्टिंग कॉइल को डालने में दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग की एक राउंड हमारी यहाँ पे जो चढ़ेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे जो इस वाली स्लॉट को और इस वाली स्लॉट को यहाँ पे जो चाप लिया है। स्टार्टिंग कॉइल को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक कॉइल को आपको जो उठा लेनी है और उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कॉइल को पलट लीजिए। रनिंग की जिस साइड आपने लूप रखा है दोस्तों उसी साइड आपको जो स्टार्टिंग की भी लूप को रखनी है। इस कॉइल को क्या करनी है, आपको जो है इस वाली स्लॉट में जो है पहला नंबर डाल देनी है एक साइड से। सो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो डाल के कंप्लीट किया और यहाँ पे आपको जो है व्हाइट पेपर लेके इस स्लॉट को लॉक कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको जो है दो स्लॉट छोड़ लेनी है, एक दो, और तीसरी में जाकर दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वायर को कुछ इस तरह से बैक साइड से खींच लेनी है। फ्रेंड्स जो हमारी कॉइल डलेगी एक से छः में, यानी कि इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, यहाँ पे हमें तीन राउंड करनी है, यानी कि जो हमारी बची हुई कॉइल है दोस्तों सारा कॉइल को दोस्तों हम इस वाली और इस वाली स्लॉट में भर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉइल को जब कुछ इस तरह से फोल्ड करते हैं यानी कि इस तरह से और उस स्लॉट में इंस्टॉल कर देंगे। ये कॉइल भी डल के पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कॉइल की बात आती है, यानी कि दूसरी कॉइल। तो यहाँ पे दूसरी कॉइल को भी डालने से पहले आपको जो है इस स्लॉट पेपर को यहाँ पे चाप लेनी है, यानी कि वायर को हमें यहाँ पे जो चाप लेनी है। बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो वायर को पलट लेनी है
जहाँ पे हमारी कागज वाली पेपर होगी दोस्तों, उस पर आपको जो इस क्वाइल को जो है चढ़ा लेनी है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग की हमने यहाँ पे जो एक राउंड कंप्लीट किया है, यानी कि एक से चार में दोस्तों हमने यहाँ पे जो एक राउंड डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो कनेक्शन मिला लेनी है। देखिए ये हमारी जो लूप है दोस्तों, ये हमारी आउटर लूप है, यानी कि लेफ्ट में हमारी निकली हुई थी ये लूप, और इस लूप को हमने ले गया है दोस्तों लेफ्ट में ही, यानी कि आउटर से आउटर में ही हमारी ये लूप गई है। यहाँ से काउंट कर लो एक बार, एक दो तीन, यानी कि एक से तीन में दोस्तों हमारी ये सीरीज भी जा चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपकी बची हुई क्वाइल है आपको जो है इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में आपको पूरी तरह से इंस्टॉल कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग की तीसरी क्वाइल डलेगी तो हमारी इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, यानी कि एक से चार वाली जो हमारी क्वाइल डलेगी कागज़ वाली पेपर की वायर को आपको यहाँ पे चाप लेनी है। तो इसमें आपको जो एक राउंड कर लेनी है और आपको एक से छः में डालनी, यानी कि इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में आपको यहाँ पे तीन राउंड कम्प्लीट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर डालने की प्रोसेस सेम है, तो चलिए दोस्तों हम इस क्वाइल को जो पूरी तरह से स्लॉट में डाल के और कंप्लीट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे कनेक्शन समझा दूंगा। देख सकते हो रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों सीट हमारे डल के पूरी तरह से स्लॉट में कंप्लीट हो चुकी है। क्वाइल साइज देख सकते हो कितनी यहाँ पे परफेक्ट है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट साइज है दोस्तों इस स्टेटर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करनी है, सबसे पहला नंबर फ्रंट साइड की तरफ आपको ये एक सेपरेटर पेपर रनिंग और स्टार्टिंग के बीच लगा के और यहाँ पे मोटर को सिलाई कर लेनी है फ्रंट साइड की तरफ। इसके बाद दोस्तों हम बैक साइड की तरफ बात करेंगे। देख सकते हो दोस्तों हमने फ्रंट साइड की तरफ से यहाँ पे सिलाई कर लिया है पूरी अच्छी तरह से। अब दोस्तों हम बैक साइड की तरफ आ जाते हैं, यानी कि कनेक्शन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले आपको जो फिर से एक सेपरेटर पेपर लेके स्टार्टिंग और रनिंग के बीच लगा लेनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए इस मोटर से हमारी कितनी वायर निकल के आई है, टोटल दोस्तों हमारी 6 वायर निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारी स्टार्टिंग की है और ये हमारी स्टार्टिंग की, यानी कि हमारी एक वाइंडिंग यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारी टोटल रनिंग क्वाइल की लूप, यानी कि चार टोटल यहाँ पे हमारी वायर है रनिंग क्वाइल की। एक हमारी यहाँ पे वाइंडिंग जो है शुरू हुई थी और दोस्तों हमारी यहाँ से वाइंडिंग खत्म हो रही है, यानी कि यही हमारी सबसे लो स्पीड की है। चौथे नंबर की क्वाइल के बीच से जो हमने निकाला दोस्तों लूप, ये हमारी है मीडियम स्पीड के लिए। और तीसरे से चौथे नंबर में जो हमारी क्वाइल सीरीज हो रही थी वहाँ से हमने जो एक लूप को निकाला था दोस्तों, ये हमारी है सबसे हाई स्पीड की लूप। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सबसे पहले कॉमन वायर बनानी है, तो यहाँ पे आपको कॉमन किस दो वायर को बनानी है, तो इस दो वायर को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो कहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हो। तो हम इस दो वायर को दोस्तों हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और दोस्तों ये हमारी हो जाती है कॉमन। और दोस्तों इस पर हम क्या करेंगे, एक ब्लू कलर की वायर लेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे। तो दोस्तों हम ब्लू कलर की जो है एक वायर ले लेते हैं और दोस्तों इस पर हम लगा देते हैं। दोस्तों ये हमारी कॉमन हुई, यानी कि हम इस पे हम दोस्तों एक सप्लाई की वायर कनेक्ट करेंगे जो हमारी न्यूट्रल सप्लाई होगी। यहाँ पे कॉमन की तो बात हमारी खत्म हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है रनिंग की हाई स्पीड वाली जो लूप होगी उस वायर को आपको जो है पकड़ लेनी है। इस पे दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी हाई स्पीड लूप है, यानी कि ये जो हमारी लूप है दोस्तों तीसरे क्वाइल से चौथे क्वाइल में जो हमारी क्वाइल सीरीज हो रही है वहाँ से हमारी ये लूप निकल के आई है। और दोस्तों यही हमारी सबसे हाई स्पीड की लूप है। तो आपको क्या करनी है, इस वायर पे आपको जो है दो वायर ले लेनी है, एक ब्लैक वायर लेनी है जो हमारी सबसे हाई स्पीड की लूप होगी और दोस्तों एक हमारे यहाँ पे कैपेसिटर की वायर लगेगी यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इस दो वायर को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और इस वाले लूप पे दोस्तों हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो एक हमारी चल जाएगी दोस्तों यहाँ पे तीन नंबर वाली टर्मिनल पे, यानी कि सबसे हाई स्पीड की जो हमारी लूप होगी उस पर, और दूसरी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटर की वायर लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो ये काम तो अभी खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे तीन वायर बच रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है देख लीजिए एक हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग की वायर है, तो इस पर आपको क्या करनी है, एक ग्रीन वायर फिर से ले लेनी है और यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे क्या होगी, कैपेसिटर की यहाँ पे काम खत्म हो जाएगी। तो इस पर दोस्तों हमारी एक कैपेसिटर की वायर लगेगी और एक दोस्तों हमारी कैपेसिटर की वायर इस पर लगेगी, यानी कि दोनों ग्रीन ही वायर पे हमारी कैपेसिटर की सप्लाई जाएगी। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो वायर बच रही है, एक हमारी लो स्पीड की है, एक हमारी मीडियम स्पीड की है। तो आपको यहाँ पे जो है दो वायर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों हम एक रेड वायर ले रहे हैं, दोस्तों इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं लो स्पीड की लूप पे। दोस्तों ये हमारी लो स्पीड की लूप है, तो यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं।
आपको क्या करनी है, कलर वाइज जो आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक से यहाँ पे याद आपको जो है रख लेनी है कौन सी वायर को हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है। ऐसे भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो सीरीज टेस्ट लैंप से भी आप पता कर सकते हो। अब दोस्तों हमारी जो मीडियम स्पीड की लूप बच गई है, इस पे आप जो एक व्हाइट कलर की वायर को कनेक्ट कर सकते हो, बट मेरे पास व्हाइट कलर की वायर नहीं है तो यहाँ पे मैं येल्लो को कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मीडियम पे येल्लो को कनेक्ट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हो हमारी टोटल वायर की कनेक्शन जो पूरी तरह से हो चुकी है। अभी आपको क्या करनी है, सभी लूप पे आपको जो है सोल्डरिंग कर लेनी है, और सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों एक एक जो है स्लीव आपको जो है चढ़ा लेनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पे सभी पे एक एक जो स्लीव ट्यूब चढ़ा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करनी है, कैपेसिटर की जो हमारी वायर होगी दोस्तों उसको जो आपको एक साइड कर लेनी है, और जितना हमारी स्पीड की वायर होगी उसको आपको जो एक साइड कर लेनी है। और यहाँ पे एक साइड करके दोस्तों यहाँ पे आपको जो कुछ इस तरह से बांध लेनी है। बांधने से पहले दोस्तों आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको जो है एक डक्टर टेप यूज कर लेनी है, ताकि फ्रेंड्स कभी भी दोस्तों ये क्वाइल को जो है नुकसान ना पहुँचा पाए। देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पे जो एक डक्टर टेप यहाँ पे लगा दिए है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो सभी वायर को एक साथ यहाँ पे बांध देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। ये इससे क्या होगी कि आपको यहाँ पे सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, इस साइड भी आपको जो उसी तरह यहाँ पे जो इस तरह से बांध लेनी है। अब मोटर को अच्छी तरह से सिलाई कर दीजिए, हमारे यहाँ पे काम खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो इसके बॉडी के साथ दोस्तों इस मोटर को पूरी तरह से फिट करके अटैच कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कनेक्शन समझाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्शन किस तरह से करना है। साइड से जो हमारी वायर निकल के आई है दोस्तों, हमारी चार वायर है, और दोस्तों इसमें 3 स्पीड की भी वायर है और हमारी सप्लाई की भी वायर है। और दोस्तों एक साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो है 2 ग्रीन वायर निकल के आई है, इसको हमने जो है कैपेसिटर के लिए निकाला था। यानी कैपेसिटर की एक एक वायर लेके दोस्तों इस 2 वायर पे आपको जो है अटैच कर लेनी है। फ्रेंड्स इस वायर का हमें यहाँ पे जो कोई भी काम नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टेप लगा लेनी है। तो यहाँ पे कैपेसिटर की तो काम हमारी खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों हमारी यहाँ पे 4 वायर बच रही है। अब फ्रेंड्स इसमें से हमारी एक कॉमन है, और यहाँ पे 3 वायर जो हमारी 3 स्पीड की है। और दोस्तों जो हमारी 3 स्पीड की जो वायर होगी दोस्तों, वो हमारी सबसे हाई स्पीड की वायर होगी ही, और साथ ही फ्रेंड्स उसमें हमारी जो फेस सप्लाई भी कनेक्ट होगी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करनी है, सबसे पहला नंबर आपको जो मेन लीड लेनी है, मेन लीड की दोस्तों ब्लैक जो हमारी वायर होगी दोस्तों इस पे आपको जो अटैच कर लेनी है। अब फ्रेंड्स इस वायर की हमारे यहाँ पे जो काम खत्म हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कितनी वायर बच रही है, 3 वायर बच रही है, यानी कि स्लो, मीडियम और फास्ट की। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इसकी स्विच, और दोस्तों यहाँ पे सेम स्विच हमने यहाँ पे ले लिया आपको जो है समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम इसे सेट करते हैं, इसमें जो कनेक्शन करने में दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इस स्विच पे आपको मैं समझा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्विच के अंदर आपको यहाँ पे एल लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या करनी, मेन लीड की जो हमारी एक वायर होगी दोस्तों उसको आपको जो यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी फेस वाली यहाँ पे जो मेन लीड है दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे अटैच कर लिया, यानी कि एल वाली पॉइंट पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो 3 टर्मिनल स्विच के अंदर और भी नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, जो हमारी सबसे लो स्पीड की होगी यानी कि रेड वायर को दोस्तों आपको जो है 1 नंबर वाली जो टर्मिनल होगी उस पर आपको जो इस तरह से अटैच कर लेनी है। और दोस्तों जो हमारी मीडियम स्पीड की यानी कि येलो वायर है दोस्तों, इसे आपको जो है 2 नंबर वाली टर्मिनल पे अटैच कर लेनी है। और दोस्तों जो हमारी 3 नंबर की वायर बची है दोस्तों, ये हमारी ब्लैक वायर है। तो दोस्तों ये हमारी सबसे हाई स्पीड की वायर है, तो इसे आपको कनेक्ट कर लेनी है 3 नंबर की टर्मिनल पे। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसकी कनेक्शन है। और दोस्तों यहाँ पे आप जो है सप्लाई दीजिएगा तो आपकी मोटर दोस्तों यहाँ पे 3 स्पीड में वर्क करेगी। आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ इसकी डायरेक्शन कैसी है, यानी कि हमने जो आपको कॉमन वायर बना के बताया था वो हमारी सही है कि नहीं, और यहाँ पे क्लॉक वाइज हमारी मोटर चलती है कि नहीं, और यहाँ पे स्पीड कैसी बन रही है, ताकत है कि मोटर में नहीं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से हमने आपको कनेक्शन करना बताया था दोस्तों, सेम उसी तरीका से दोस्तों हमने यहाँ पे वायर को जो है कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे चलिए आपको मैं ट्रायल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो शॉफ्ट है दोस्तों कुछ इस तरह से घूमना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो मोटर की डायरेक्शन है ये हमारी कुछ इस तरह से चल रही है, यानी कि जो हमने आपको कॉमन वायर बनाना बताया दोस्तों वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर डायरेक्शन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम जो है आपको 3 स्पीड में हमारी यहाँ पर काम कर रही है कि नहीं, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है सीरीज टेस्ट लैंप को देखिएगा, हमारी बल्ब किस तरह से ग्लो करती है, यानी कि सीरीज टेस्ट लैंप हमारी जो है जिस तरह से हमारी स्पीड बढ़ते जाएगी, हमारी यहाँ पे जो है बल्ब की रोशनी बढ़ते जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ऑन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 1 नंबर की है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी बल्ब इतनी ग्लो कर रही है। अब हम यहाँ पे जो है 2 नंबर पर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी हमारे यहाँ पे जो है बल्ब की रोशनी बढ़ चुकी है।
अब यहाँ पे 3 नंबर पर देते हैं तो यहाँ पे जो है रोशनी और भी बढ़ चुकी है, यानी कि दोस्तों ये हमारी जो सबसे हाई स्पीड यहाँ पे काम कर रही है। चलिए हम इसे मैन में देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो है इन्वर्टर पे फ्रेंड्स, जिस वजह से यहाँ पे आवाज़ कर रही है। तो यहाँ पे आप ताकत देख सकते हो कितना ताकत से हम पकड़े हुए, फिर भी दोस्तों यहाँ पे ये नहीं रुक रही, यानी कि आपको जो स्पीड फ्रेंड्स यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पे जो मिलने वाली है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ भी गई होगी। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ फ्रेंड्स जो बंदे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जगह आप लोग को जल्द देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो और किसी नए फोन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।